हर एक क्षेत्र किसी न किसी गतिविधि के लिए जाना जाता है, साथ ही हर क्षेत्र का अपना एक इतिहास भी होता है। हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे शहर के बारे में जहां से एक खेल की शुरुआत हुई थी। नमस्कार, मैं मंत्र पाठी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। ऊटी एक ऐसा शहर है जहां से स्नूकर खेल की शुरुआत हुई थी। भारत देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अपने सुंदर हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। ये हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए एक साफ और खूबसूरत गंतव्य स्थान बनाते हैं। ऊटी एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। सुंदर घास के मैदान, साफ वातावरण, दूर तक फैली हरियाली इस शहर में आपका स्वागत करती है। यात्रा और प्रशंसा करने के लिए आपको ढेर सारी वजह देता है ये शहर। ये जगह पश्चिमी घाट क्षेत्र में 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीलगिरी जिले का मुख्यालय है ये शहर, जहाँ दो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। ऊटी का हर एक पर्यटक स्थल कभी न भूलने वाला और बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। आप जब भी शहर में घूमने के बाद वापस जाएंगे तो आपके साथ ही शहर से ढेर सारी यादें भी आपके साथ जाएंगी और आपको शहर में एक बार फिर घूमने के लिए विचार करने को मजबूर कर देंगी। यहाँ की संस्कृति में आपको कहीं ना कहीं ब्रिटिश कल्चर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्रिटिश स्थापत्य शैली में कई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। द लॉरेंस, वुड शेफर्ड और हेब्रॉन स्कूल इसके उदाहरण हैं। अब आपको बताते हैं ऊटी के कुछ पर्यटन स्थल जहां घूमकर आपको अच्छा महसूस होगा। बॉटनिकल गार्डन 22 हेक्टेयर में फैला हुआ एक गार्डन है जो प्राचीन वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। फोटोग्राफी के लिहाज से भी ये स्थान आपको निराश नहीं करेगा। टी फैक्ट्री से उठती खुशबू पर्यटकों के मन में दबे कहीं चाय के प्यार को एक बार फिर जगा देती है। चाय को मशीन से बनता देखना और पैक होते देखना पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होता है। डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत की 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित साउथ इंडिया की सबसे लंबी चोटी है। ट्रैकिंग पसंद लोगों के लिए ये स्थान एक फेवरेट स्पॉट है। रोज गार्डन, यहाँ पर आपको रोज की 20,000 वैरायटीज देखने को मिलेंगी। यह गार्डन भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। अवलांचे झील फिशिंग करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। ऊटी झील एक मानव निर्मित झील है। यहाँ एक बोट हाउस है जो पर्यटकों को बोटिंग का एक्सपीरियंस प्रदान करता है। मधुमलाई का वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जानवरों और वनस्पतियों की विविधता देखने को मिल जाएगी। सन 1882 में ब्रिटिश गवर्नर जॉन सुलिवान का बंगला था स्टोन हाउस। ऊटी में बना हुआ ये पहला बंगला है। आज गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ रहा करते हैं। ऊटी माउंटेन रेलवे 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई थी। ट्रेन यहां आज भी प्राचीन भाप इंजन द्वारा चलाई जाती हैं। चीन कला को प्रदर्शित करता है नीलगिरी जिले में स्थित स्टीफेंस चर्च। 19वीं शताब्दी में ये चर्च बनाया गया था। तिब्बती बाजार, म्यूनिसिपल मार्केट, फार्मर्स बाजार, नीलगिरी सहकारी सुपरमार्केट, प्रभा मिनी सुपरमार्केट यहां स्थित कुछ बाजार हैं। ठहरने के लिए यहाँ आपको आपके बजट में होटल्स मिल जाएंगे। होटल लेक व्यू, होटल दर्शन, होटल श्री कृष्ण रेजिडेंसी और सेलिब्रेशन कॉटेज यहाँ स्थित कुछ अच्छे होटल्स हैं। रेल, वायु और सड़क मार्ग से आप आसानी से ऊटी पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग के लिए कोयम्बटूर हवाई अड्डा सुगम मार्ग है। रेल मार्ग के लिए आपको कोयम्बटूर रेल जंक्शन पर उतरकर टॉय ट्रेन लेनी होगी। अवलांचे और ऊटी झील, कलहट्टी वाटरफॉल और डियर पार्क यहाँ स्थित कुछ चुनिंदा हैंगआउट स्पॉट्स हैं जहाँ आप दोस्तों और परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।